अरौन में देखने को मिल रही बिजली विभाग की लापरवाही, पुरानी मंडी के पास बिजली पोल में आ रहा करंट की चपेट में आने से गौ माता की हो रही मौत। हर साल बरसात में इस बिजली पोल में आता है करंट। आपको बता दें, जानवर तो जानवर, कई बार इंसान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। वहीं वार्ड वासियों द्वारा कई बार लिखित आवेदन बिजली विभाग को दे दिए गए हैं, पर उन पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। आज फिर एक हादसा हुआ और फिर से एक गौ माता की जान चली गई। जब हमने विद्युत प्रभारी अरौन जैकी वर्मा को फ़ोन लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हमने गुना एई से बात करने के लिए कॉल मिलाई तो उनका मोबाइल कॉल फॉरवर्डिंग पर बता रहा था और कॉल नहीं लग रही थी। इससे यह साफ है, कहीं ना कहीं बिजली विभाग वालों की ही गलती है। आगे से कोई हादसा ना हो, इसके लिए बिजली विभाग को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। आपको बता दें, अरौन विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन हो रही गौ हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे गौवंश शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी कई गौवंश इसका शिकार हो चुके हैं और कई बार गौ सेवा परिषद के सदस्यों ने इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से की भी है, लेकिन अभी भी गौवंश आए दिन जब भी बारिश होती है गौवंश करंट की चपेट में आ जाती है। इसको विद्युत विभाग की लापरवाही ना कहे तो क्या कहे। आपको बता दें कि आज सुबह ही करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। बिजली विभाग फिर भी मौन बना बैठा रहा। बारिश के चलते खंभों में करंट आता है क्योंकि खंभे, लेकिन विद्युत विभाग कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा। आपको बता दें कि विद्युत विभाग अगर कोई कार्यवाही नहीं करता तो गौ सेवकों द्वारा उनके खिलाफ SDM कार्यालय जाकर आवेदन देंगे। पूर्व में आकाश ढाबा के पास करंट लगने से 6 भैंसों की मृत्यु होने पर भी आवेदन दिया गया था, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी तब भी मौन बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।